शुरुआत रहा तो इलिया के धरती से मेरा छोटा भाई वीरेंद्र कुमार भारती अथा प्रयास अथा सहयोग करके हमारे साथ रह के और जीवन से जीवन दिल से दिल लगा करके आज बिरहा में बिरहा चाहे कोनो गोड़िया हो के बड़ा नीक संगत करलन। हम चाहते थे वीरेंद्र भाई तनी सेवा मंच पे बैठ जाके वीर के बिरहा गा दी भाई लोग के आनंद मिल जाए और बाद सबके घरे जाएंगे। राम केसी भैया हमारे चल देलन बहुत बेपड़ा में भोर का बेला हो गई चल भूमिका ने कभी भाव लिखे है कैसे मुन्ना देशवासी सुनलन हाथ जोड़ के रोवे लगलन करन कि ये साहब हमन के देशवा मत मांगा और कुछ मांगल चाहत हो खात है और मांगला देखते देखते एक चारों तरफ नजर घुमा रहा है देख रहा है कौन सी ऐसी चीज है जो मैं मांग लूं। देखते 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 एक खूबसूरत लड़की के ऊपर दिमाग गया आंखें गई और रुस्तम पहलवान कहा कि अगर देना चाहते हो तो जो लड़की बैठी है उस लड़की को हमें दे दो। तहमीना नाम की लड़की जब सुनती है कि पहलवान हमारे देश के पहलवानों को पटकने के बाद हमें मांग रहा है शर्त को मंजूर करती है मुझे शर्त आपका मंजूर है एक तहमीना नहीं अगर हजार तहमीना बनना पड़ेगा तो मैं शर्त कबूल करती हूँ जो चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ मैं आपके साथ चलूंगी। आए हैं बाबूजी करना क्या पड़ेगा साहब तो हमारे शिवालय में तुम्हें आना पड़ेगा इतना बतिया जोने समय
तमीना सुन करके और रुस्तम पहलवान के कुटिया में आए दिन आना जाना शिवालय में आना जाना शुरू कर दी। लेकिन रोज का आयल और गयल हो पंचो प्यार में बदल गई। अच्छा प्यार में बदल गई। दो दिन बीतल, चार दिन बीतल, कुछ दिना के बाद गर्भ धारण कर लेलस। आ जब गर्भ धारण कर लेलस तो यार ईरान देश से रुस्तम पहलवान का बुलावा आयल तो बिरह में ठेकवाली का टुकड़ा लग गई। मास्टर सुंदर भाव कभी जी लिख ले हो कहानी आप उनके समझ में आई सारी बात गाने के लाइन में। अरे पहलवान रुस्तम चला निजी वतन को, अरे पहलवान रुस्तम अरे चला निजी वतन को, अरे ईरान से जब अपने देश के लिए जब चला है तो अरे बचा करके रखना रखना, अरे हमारी निशानी तुम बचा करके रखना, मिलोगे कभी फिर यही मेरा दावा। तहमीना मैं अपने देश ईरान के लिए जा रहा हूं, मेरे देश का बुलावा है, मुझे जाना पड़ेगा। करस की पूजा हुआ तो सुना तोहर प्यार का नतीजा है मेरे पेट में पलत बा। आ ए रुस्तम जब तू चल जीबा अपने ईरान देश के खातिर तो हमार इचोन तोहर प्यार प्यार हमारे पेटवा में पलत बा एकर का हुई। तो रुस्तम पहलवान नज्म में बताता है कि आखिर करना क्या पड़ेगा। कौन सा नज्म है मास्टर? कभी करना नज्म कभी ना खोता बीज दिया, हमारा प्यार और तुम्हारा प्यार तुम्हारे जो पेट में पल रहा है तहमीना, एक काम करना,
ए लो ताबीज, अपने दाहिने बाजू में से ताबीज निकालता है रुस्तम पहलवान और तहमीना के हाथ में दे देता है। कहता है लो ये ताबीज, अगर लड़का पैदा हो तो उसके दाई बाजू में बांध देना, अगर लड़की पैदा हो तो इस ताबीज को डोली में रख के विदा कर देना। लेकिन प्यार के तराजू में तौलते रहना, कभी प्यार में जो भी मेरा आने वाला संतान हो उसके प्यार में कभी कमी ना हो, कहीं गलत रास्ता अपना ना ले। इतना समझा करके आज जब रुस्तम पहलवान ईरान देश के लिए जब चल देता है मित्रों, तो बिरहा में एक थे वीर रस का तर्जल गिल मास्टर। एके स्वर्गीय रामदेव गुरु जी और बेचन गुरु जी अपने जवानी के आलम में बड़ा सजा के गावे लोग। कैसे गावे? बीतल, छह महीना बीतल, आठ महीना बीतल, आए सोनू नौवा महीना जब बीतल है तो भरी लगा नतीजा। तमीना सोच रही है अगर बेटा बता देली, चिट्ठी में लिख के अगर बता देली कि बेटा पैदा हो गई तो ऐसा न हो खाए कि रुस्तम पहलवान हमारे बेटवा के ले जाए। कहलस का तमीना लिखला चिट्ठी में लिख देली कि बेटी पैदा भइल बा, बेटी पैदा भइल बा। अरे तो तू काहे कि तमीना निराश हो, तमीना निराश हो करके और आंसू बहाते हुए चिट्ठी में लिखती है कि रुस्तम तुम्हारे प्यार की निशानी एक बेटी पैदा हुई है।
ई चिट्ठिया जौने समय पहुंचल बा हो आ जाके रुस्तम पहलवान के मिलल आ वो चिट्ठी के जब पढ़लन है रुस्तम पहलवान तो कहलन की बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है, जो मालिक को देना था वो दिए, लेकिन ए बाबू ये हर तहमीना देखा तातर्स देश में अपने वो सोहराब भेटवा के जब कुछ सयान भइल तब पहलवानी का रियाज करावे लगल। बांस के जगह अखिलेश बांस है जामेला कबो रेड़ ना जामे। बाप अगर गवैया हो तो बेटा अगर गवैया ना हुई तो बजवैया जरूर हुई। बाप अगर लड़वैया हो बिल्कुल सही गला घोड़ सवारी भाई की बल गावे की बल धावे की बल घोड़ कुदावे जितना गावे में जोर लगाला जितना धावे में जोर लगाला उतना घोड़ा के कुदावे में जोर लगाला। तो भैया सही कर लो सुरेंद्र भैया चाहे कुछो कुदावा आए है बाबूजी जब लड़का सयान महिल कुछ पहलवानी का रियाज करा था आ सुंदर पहलवान महिल अपने बाबू रुस्तम पहलवान की तरह जब रुस्तम पहलवान की तरह सोहराब पहलवान जब अपने जवानी के दहलीज पर चढ़ल है तब बिरहा शैली में कभी जी भाव लिखल लगी नहीं सही कहते हुए जो ऐसा चीज है कि चाहे जान रही चाहे चाहिए बाप बहादुर जियत रहा लाल दिन दुना रात चौगुना तरक्की कराए आप लोग जगह चाहला गायक बना दे वाला यही तरह मोला चाम जिंदगी भर बजावा नहीं यार ऐसा बात नहीं है जियत चाम से कबो कबो भेट होला नहीं आ गया दिल्ली से माई अपने बेटवा के पहलवान बनौली है लेकिन मेहना गांव को गांव अगर सही है तो फूल सही है नहीं ऐसा बात नहीं है भैया जगह से बात कर लेना हरदी और बात जहां सट बा तहा सट जाये लड़का के ठेस पहुंचल है गांव का लड़का कुछ जलन के भावना में अब बोली ठी बोली बोले कलन की पहलवान बनत है एक बाबू और एक माई के पते नहीं है माई तो बा लेकिन बाबुआ नहीं बा हाँ अरे पता नहीं वो माई कवन जात बा बाबू कवन जात हो लेकिन बाबू आज तक पता नहीं चलल कि बाबू हो के कर जात से का मतलब काम चलत है ना नहीं वो तो खैर ठीक है लेकिन ये ना जानकारी है कि अगर बाप को ना बतिया सुनला बस सोहराब पहलवान खून गरम हो गई जाए के अपने माई से सवाल की रस माई बेटवा खारे से आई ले माई कटोरा का दूध लेके पहुंचा रहे कलस की भरा मत और दूध आज जवन सवाल करे जाते अगर अगर जवाब सही सही ना बतौली माई तो तेरे हाथे का खाना दाना पानी कुल हराम माई पंजो झरझर झरझर हाथे में कटोरा का दूध लेके रो थे बेटवा आज ई कैसन सवाल कह दिले रे 9 महीना तू लाते से वैसे भी मरले तोर सहली रे बेटा जब धरती पर अला ना तो बड़ा खुशी भई लेकिन बेटा आज ऐसने जबान से तू बोलत हुए ना बेटा अगर तू एक कटोरा का दूध और भोजन जब हमरे एक बुढ़िया माई के हाथे के ना खेबे ना बेटा तो तेरे बुढ़िया माई जिंदा ना रही है
अहपन जो इतनी बात जाने समय सुन ले बा सोहराब पहलवान कलस की माई बात हुआ नहीं है ए नगरी के बड़ा ठेस लगल बा जैसे मैं बोलू हरिद्वार बाबा के द्वारे पर हमके तो लग गई। कभी कभी लोग जब गांव घर के बोले लन तो बर्दाश्त से बाहर हो जाला। कलस की माई हमारे अब्बा का पता बता दे। माई तमीना सुन गई सुनलस तो सोच में पड़ गई कि लगत है लैका के कोई बता देलस। कलस की ये बेटा तमीना बोली तू ईरान जाना पता जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें ईरान जाना पड़ेगा। ईरान? हाँ ईरान का रहे वाला तेरे अब्बा जो ने अब्बा का तेरे नाम रुस्तम पहलवान बा यही तातर्स देश में बढ़िया से बढ़िया सम्राट पहलवान के अरे देश के हरा के देश ले 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 वालन। लेकिन तो बुढ़िया माई बेटा अपन जीवन ने उछावर तेरे अब्बा के कह के अब पूरे टाटर्स देश के बचो लेबा तो तू अपने अब्बा का पता लगाओ जात हुए तो जो तेरे अब्बा ईरान का रहे वाला जो ने तेरे अब्बा का नाम रुस्तम पहलवान बा ये तेरी बात जब अपने अब्बा का नाम सुनला सा सोहराब पहलवान बाबूजी छतिया दूना धून हो गई हो सोहराब पहलवान के कि कम से कम हमार अब्बा तो हुन जवन सार हमारे गांव का जवन हमारे आस पड़ोस का जवन बोली ठू बोली बोलत हुए इन्हन के जबान बंद करके अपने अब्बा के लिया के इन्हन के जबान में ताला लगवा दे कि हमार भी कोई अब्बा हो। इतना जब बात सुन के अपने माई का जब फैसला कैले कि अपने अब्बा के लिया के रह तो बिरा में जवानी आ गई लाल देश से युद्ध ठना। जब युद्ध ठनता है तो कातर्ष देश से और सोहराब पहलवान अक्षस नदी के किनारे अपने टोलियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कातर्ष देश के साथ जब चलता है अक्षस नदी के किनारे तो उधर ईरान देश से सोहराब पहलवान ईरान देश के टोलियों के साथ अक्षस नदी पे दोनों तरफ आकर के जब जुटे हैं अक्षस नदी बीच में है ईरान देश के पहलवान रुस्तम पहलवान के साथ अपने तरफ एक तरफ सोहराब और एक तरफ रुस्तम पहलवान तब भाव कभी जी लिखलन है
चल आया रुस्तम का ललनवा कर चल इतना चुनौती जब ईरान देश के देशवासी और रुस्तम पहलवान सुनते हैं तो चुनौती बुढ़ाई रुस्तम स्वीकार किया समय है रुस्तम पहलवान का, लेकिन रुस्तम पहलवान जब सोहराब पहलवान का ऐलान सुनता है मित्रों तो चुनौती स्वीकार कर लिया, बोला कि ऐसी बात है हमारे देश को अकेला कर दिया। तो रुस्तम पहलवान पहले सबसे पहले लड़ने के लिए तैयार है। जब इतना बात कहता है तो बिरहा को लाश तर्ज लग गई। वापस में लड़ाई दंगल में कर रहे हैं।
ना ही रुस्तम पहलवान को पता है कि पैदर्स देश का ये मेरा बेटा हो सकता है, और ना ही पता चलता है सोहराब पहलवान को कि ये मेरे अब्बा हो सकते हैं। सच बन रहा है, मम्मी बताई है कि ईरान देश का रहने वाला तेरे अब्बा का नाम रुस्तम पहलवान है। सवाल करता है, आओ पहलवान, लड़ाई करने से पहले जरा बता दो तुम्हारा नाम क्या है। सोहराब पहलवान सुनत गलत की सुना, अब पड़ 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 हमारा नाम मत पूछा, लड़ाई करने आया हो। सोहराब को हरा दे, मैं मान लूंगा कि मेरा देश हार जाएगा। तो तुझे मेरे नाम और मेरे गांव मेरे देहात से तुझे क्या मतलब है? सिर्फ पहलवानी से मतलब रख। इतना बात जब सुनता है तो देश का रहने वाला रुस्तम पहलवान का बेटा सोहराब पहलवान एक मेरी नहीं वो कुश्ती में चार पांच मेरी पटक लो, चार पांच मेरी पटक लो। रुस्तम पहलवान विचार करे लगल, जय मेरी पटखाए लगल, सोचे और कहे लगल कि अरे रुस्तम पहलवान अब तुझे क्या हो गया यार, ये लड़का पटक रहा है। अपने आप, अपने आप से जब रुस्तम पहलवान बात कर रहा है तो सोहराब पहलवान सुन गई कि रुस्तम कहीं ये मेरे अब्बा तो नहीं है। इतना बात जिस समय सुन रहा है और वापस में सोच रहा है सोहराब पहलवान, तो वो समय रुस्तम पहलवान उतने समय में थे मौका पा गई कामों का पोलस फिर हाथ तहपट में कभी जी लिखल सोहराब पहलवान है मित्रों। उसी समय रुस्तम पहलवान और उठा करके सोहराब पहलवान को पटक देता है। सोहराब पहलवान को पटकने के साथ साथ भाला उठा करके करता क्या है, अरे गिरे हुए सोहराब की छाती Yeah!
जी रुस्तम पहलवान पटकने के बाद और सोहराब पहलवान के सीने में भाला उठा करके मार देता है। मित्रों, जब सोहराब पहलवान के सीने में भाला मार देता है, लहू लुहान वह सोहराब पहलवान तड़प रहा है। अखाड़े पे जब तड़प रहा है तो बिरहा आल्हा में कभी झीली करके सारी कहानी को पर्दाफाश कर दिए। कहा लिख रहा वहां में अखिलेश, एक ठे और लगावा, लगा दही और लगावा, एक ठे ये लगावा। दुनिया में होला हो समाया पलवा, जब दुनिया में कोई हार नहीं चाहिए। रुस्तम पहलवान थोखा थोड़ा सा आंख क्या भजा, अपने अब्बा को सोच क्या रहा है कि रुस्तम पहलवान सीने में भाला चुभा दिया, लेकिन जिंदगी और मौत से सोहराब पहलवान लड़ रहा है। सोहराब पहलवान रुस्तम पहलवान के तरफ देखा, प्राण 10 मिनट में छूट जाएगा, 10 सेकेंड में छूट जाएगा कि 10 घंटा में छूट जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक सवाल करता है खड़ी के भाव में वो सोहराब पहलवान रुस्तम पहलवान से, क्या सवाल करता है मास्टर? धोखा ने मुझे मार दिया ना,
धोखा दे तुझे दीवार दिया तुझे मारने से पहले मैंने तुझे कई बार पटका, लेकिन तुम एक बात सुन लो, तुम्हारे इसी ईरान देश में मेरे अब्बा रहते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि उनके बेटे सोहराब को तूने धोखे में जान से मार दिया, तो एक मेरी बात सुन, क्या कहता है सोहराब? बढ़ा ले क्या चल गया उनको ना कि तू उनके बेटे सोहराब पहलवान को धोखे में मार दिया, तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बात रुस्तम पहलवान सुनता है तो सोचने लगता है, झरझर रोने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि अब तहमीना मेरे प्रेम का मेरे साथ तो छल कर दी, मुझे बता दी चिट्ठी में लिख करके कि बेटी पैदा हुई है, अगर काश उसी समय बता दी होती कि बेटा पैदा हुआ है तो मैं खुद समझ गया होता कि मेरे खून के अलावा, मेरे औलाद मेरे बेटे के अलावा स्टार्टर्स देश में कोई पहलवान नहीं हो सकता। अरे पगला, हम जानत ना रही कि तो हमारे बेटा हुआ पगला, ही रुस्तम पहलवान तेरे सामने खड़ा हुआ। आप लोग सोच लिहन, थोड़ी सी गलती के लिए अपने ही बेटे को अपना ही बाप सीने में खंजर चुभा दिया, जान से मार दिया, कैसे वो पिता बर्दाश्त करेगा? बिरहा का लास्ट लाइन कभी जी लिखत हुआ भैल का, जीवन कथा सुनकर के पिजड़ा, जीवन कथा सुनकर के पिजड़ा से सुगना भागल, की बात सुनता है और वही सोच करके पागल हो जाता है। और इतना ना हो पंजो, जब ही सोचने लग कि हाय जोने तहमीना से प्यार कह के एक बेटवा एक धरती पर लिया बे कि हम और तहमीना काम के ली जा, वो बेटा के हम अपने हाथ से जान से मार दे ली, हार्ट अटैक होता है और उसी जगह रुस्तम पहलवान भी दम को तोड़ देता है। तहमीना की छोटी सी गलती के कारण बाप और बेटा उसी अखाड़े पे
इस दुनिया को छोड़ करके चल बसते हैं। घर आने के पर्चे कभी जी लिखल ब्रोकरेज गुरुराम लाल गए स्वर्ग